नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने हमारे YouTube चैनल दीपक मेडिसिन नॉलेज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइसर डी टैबलेट के बारे में। लाइसर डी टैबलेट का इस्तेमाल कब और किन किन समस्याओं में किया जाता है दोस्तों, इसका लेने का तरीका क्या है, दिन में कितनी बार इस टैबलेट को लिया जा सकता है और आपको बाजार में कितने MRP के साथ मिल जाता है, इसके क्या क्या फायदे, इसके क्या नुकसान हैं, आज की इस वीडियो में दोस्तों पूरी जानकारी देने वाला हूँ लाइसर डी टैबलेट के बारे में। और साथ ही बात करेंगे दोस्तों ये किस कंपनी का होता है, इसका रिजल्ट कैसा है। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे जिससे आपको मिल सके लाइसर डी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी नवी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा, इस आप हमारी वीडियो देख सके सबसे पहले। तो करते हैं दोस्तों वीडियो स्टार्ट, चलते हैं वीडियो की तरफ, समझते हैं लाइसर डी टैबलेट के बारे में, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे लाइसर डी टैबलेट जो किस कंपनी की होती है, इस लाइसर डी टैबलेट को कौन सी कंपनी बनाती है। दोस्तों कंपनी की बात करें तो आप अपने फोन की भी देख सकते हैं, कॉमेड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छी और काफ़ी फेमस कंपनी है दोस्तों, कॉमन केमिकल लिमिटेड। तो बात करें दोस्तों इसमें मिलाई गई कॉम्बिनेशन के बारे में, इसमें कौन सी दवाइयाँ मिलाई गई हैं, इस पर कौन कौन सी दवाइयों का मिश्रण है। तो दोस्तों डाइक्लोफेनिक सोडियम एंड सेरेटियो पेप्टाडाइज टैबलेट। तो बात करें दोस्तों ये कितनी क्वांटिटी में मिलाया गया, तो दोस्तों आप अपने फोन में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। डाइक्लोफेनिक की मात्रा जो है 50 मिलीग्राम में मिलाई गई है, सेरेटियो पेप्टाडाइज की मात्रा है 10 मिलीग्राम में मिलेगी। तो दोस्तों बात करें इस दोनों दवाइयों का काम क्या होता है, ये लाइसर डी टैबलेट का काम क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसका इस्तेमाल कब किया जाता है। तो दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल दर्द और सूजन में किया जाता है, ठीक है दोस्तों। बात करें इसके फायदे की, सिर में दर्द, हड्डियों के दर्द में भी काफ़ी लाभकारी माना जाता है दोस्तों ये, माइग्रेन में भी काफ़ी अच्छा काम करता है, माइग्रेन के दर्द को रोकने के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों लाइसर डी टैबलेट। और साथ ही साथ मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, मांसपेशियों में ऐठन या फिर मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो दोस्तों उस समस्या में भी लाइसर डी टैबलेट काफ़ी अच्छा काम करती है और ये आपके सूजन को भी कम करती है, चोट घाव या फिर कटे फटे में भी काफ़ी अच्छा काम करता है दोस्तों ये लाइसर डी टैबलेट, स्वेलिंग को कम करता है, दर्द को होने से रुकता है दोस्तों। तो दोस्तों बात करें इस लाइसर डी टैबलेट का इस्तेमाल आप कैसे करें, दिन में कितनी बार करना होता है। तो दोस्तों इस लाइसर डी टैबलेट का इस्तेमाल आप दिन में 3 बार कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये आपके दर्द और सूजन को कम करने में काफ़ी मदद करती है और उसे बहुत जल्दी कम करती है दोस्तों। तो दोस्तों इस लाइसर डी टैबलेट का इस्तेमाल हमें दिन में 3 बार करना है। और अब हम बात करेंगे इस लाइसर डी टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में, इसके क्या साइड इफेक्ट हैं दोस्तों। तो बात करें दोस्तों इसके साइड इफेक्ट की, तो दोस्तों जी मचलाना या फिर उल्टी, कब्ज, पेट फूलना, डायरिया या फिर अधिक प्यास लगना, ये 4-5 समस्या आ सकती हैं दोस्तों, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। तो दोस्तों बात करें इस लाइसर डी टैबलेट की MRP क्या होती है, ये आपको बाजार में कितने MRP के साथ, इसकी कॉस्ट क्या होती है बाजार में। तो दोस्तों बात करें लाइसर डी टैबलेट की MRP की, तो मैं आपको इसकी MRP भी दिखा देता हूँ दोस्तों, 235 रुपये इसकी MRP है जो कि आप अपने फ़ोन स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। बनने की डेट से 2 साल की एक्सपायरी होती है जो कि काफ़ी लंबे समय तक है। और दोस्तों 235 रुपये में आपको ये टैबलेट 15 मिल जाते हैं, एक स्ट्रिप में 15 टैबलेट होते हैं दोस्तों, आप अपने फ़ोन स्क्रीन देख सकते हैं। और ये दोस्तों लाइसर डी टैबलेट आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी से मिल जाएगा, किसी भी केमिस्ट के शॉप से बहुत आसानी से मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस लाइसर डी टैबलेट का इस्तेमाल किन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस लाइसर डी टैबलेट का इस्तेमाल हार्ट पेशेंट, BP पेशेंट और जिनको दोस्तों शुगर की प्रॉब्लम है वो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। और इस टैबलेट का इस्तेमाल दोस्तों प्रेग्नेंट, किसी को भी ये बीमारी है दोस्तों, उन लोगों को मैं यही कहूँगा इस लाइसर डी टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले उनके डॉक्टर जो हैं अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ आ ही गया होगा लाइसर डी टैबलेट का इस्तेमाल कब और किन किन समस्याओं में किया जाता है, इसका लेने का तरीका क्या है, इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और इसको किन किन लोगों को नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई छोटी जानकारी लाइसर डी टैबलेट के बारे में अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी लाइसर डी टैबलेट के बारे में, दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दीपक मेडिसिन नॉलेज, क्योंकि मैं लेके आता रहता हूँ मेडिसिन से रिलेटेड नवी नवी वीडियो जिससे आपको मिलती है मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल जवाब है लाइसर डी टैबलेट के बारे में, आप कुछ पूछना चाहते हो, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं दोस्तों, आपका भाई जरूर रिप्लाई देगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।